सो है गाइस, रिसेंटली में मुझे एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब वाली वेबसाइट की जानकारी मिली है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के नाम से जानी जा रही है, और उसका कहना है कि 2 लाख रुपए पर मंथ का आप वहां से कमा सकते हो, बस आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, 2 लाख रुपए मिनिमम आप जो है कमा सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे तो क्या आप 2 लाख रुपए पर मंथ का वहां से कमा सकते हो? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इस वीडियो का वो कंप्लीटली देखना है, आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने पैसे इस वेबसाइट में जो कि DKOrder06.cc वेबसाइट है, इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो आपके सामने मैं शो कर दे रहा हूं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जहां पर आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपए वाली बात लिखी हुई है कि पर मंथ आप कमा सकते हो कम से कम इस वेबसाइट में ज्वाइन करने पर, इस तरीके का बताया जा रहा है। यहां पर ऑनलाइन शॉपिंग मॉल का जिक्र किया जा रहा है, 80 रुपए मुझे मिले हुए हैं, VIP के कुछ लेवल्स गिनाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस भी लेवल में आप पहुंचते हो उस हिसाब से ये लोग जो है आपका कमीशन को डिसाइड करते हैं। मान लो 1 में हो तो मान लो 10-20% मिल रहा है, तो 2 में जाओगे तो 30-40% मिलेगा, इस तरीके से इंक्रीज होते चला जाएगा। और एक समय ऐसा बताएंगे ये लोग जब आपका 100% तक ये लोग कमीशन देने की बात करेंगे, मतलब 100 रुपए डालो 200 रुपए मिलेगा ऐसा। और हाँ, नीचे स्क्रॉल करने पर पेमेंट के प्रूफ शो हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो है कुछ इस तरीके के आपको जो है ब्रांड्स वगैरह के नाम शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ भाई कि जो पेमेंट का प्रूफ आपको यहाँ पर शो होता है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन भी अगर ये वेबसाइट रही आप चेक करोगे तो आपको सेम एज इट इज शो हो रहा होगा। इट मीन्स कि ये लोग अपनी वेबसाइट में इस तरीके से फिट किए रहते हैं कि आप जब भी लॉग इन करोगे आपको वही यूज़र ID, वही अमाउंट वाला जो है आपको सीन देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि ये सब चीज़ें जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए कि ये वेबसाइट जो है लोगों को विड्रॉल दे रही है, ऐसा शो करने के लिए फिट की जाती है। हकीकत में किसी को भी विड्रॉल नहीं मिल रहा है, आप जब मर्जी तक जो है इसके पेमेंट प्रूफ को देख लेना, आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा। और इस वेबसाइट की अगर आप रिचार्जेस की बात करो तो मिनिमम 200 रुपये का होता है और मैक्सिमम जो है 1 लाख तक का होता है। अब स्टार्टिंग में जैसे ही आप रिचार्ज करोगे आपको फर्स्ट टाइम विड्रॉल दे दिया जाता है, जैसे कि आपको ट्रस्ट हो जाता है इन लोगों पर। और इसके बाद आप जब इनके टास्क को कंप्लीट करने लगते हो तो एक आध बार आपको और विड्रॉल मिल जाता है। वो किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी के भरोसे जो है आप लोगों को ऐसा लगता है कि विड्रॉल यहाँ से हमें मिल रहा है और इसके बाद आप इनके टास्कों को कंप्लीट करने लगते हो। और इनके टास्क इतने ज्यादा आपको मिलते हैं कि कभी आपको स्पेशल टास्क कह करके मिलेगा कि स्पेशल टास्क है, तो ये हिडन टास्क है, तो ये सिस्टम ने आपको ऑटोमेटिक टास्क दिया है, तो इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो बहुत कमीशन मिलेगा, तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको पट से विड्रॉल मिल जाएगा, इस तरीके से बातें की जाएगी। और आप इनके कितने भी टास्क को कंप्लीट कर लोगे आपको विड्रॉल बाद में नहीं मिलेगा। और हाँ, जो स्टार्टिंग में आपको विड्रॉल मिला है वो जानते हैं कैसे मिला है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप ही इस वेबसाइट को ज्वाइन किए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास जो है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि आप इस अकाउंट में रिचार्ज कीजिए और हमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, कुछ इस तरीके से होता रहता है, राइट? तो इसी तरीके से जो है और लोगों के पास भी ये चीज़ें होती रहती है। अब होता ये है कि शुरुआती टाइम में ये लोग जो है स्टार्टिंग में जो आपको विड्रॉल मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है कि किसी और के पास जो है आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शो की जाती है और कहा जाता है भाई इस पर 400 का रिचार्ज करके स्क्रीनशॉट शेयर करो। सेम ऐसे ही आपको कहा जाता होगा स्टार्टिंग में कि आप जो है इस पर 300 वाला रिचार्ज कर लो या 500 वाला रिचार्ज कर लो और स्क्रीनशॉट शेयर करो। इस तरीके से कहकर के जो है ये लोग आपस में ही सबको विड्रॉल दिलवा देते हैं, आपने रिचार्ज किया तो उसको विड्रॉल मिला, उसने रिचार्ज किया तो आपको विड्रॉल मिला, इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। और जैसे ये चीजें होती हैं तो लोगों को लगता है कि भाई विड्रॉल दे रही है वेबसाइट अपने घर से, और ये सोच करके लोग अपने पैसे लगाने लगते हैं इनके टास्कों को कंप्लीट करने के चक्कर में, और इसी के बाद हो जाता है स्कैम। अब सिंपल सी बात यहां पर दोस्तों ये है कि जिसने आपके अकाउंट पर पैसा भेजा था, अब मान लीजिए उसके साथ स्कैम हो जाएगा, उसके पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे होंगे और ऐसे में वो साइबर कंप्लेन करेगा तो वहां पर वो आपकी बैंकिंग डिटेल भी शो करेगा, और ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ हूं, उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, यहां पर शो किया हुआ बहुत डिटेल में बताया हूं इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं अब भाई कि मेरा मोबाइल नंबर जो मैंने इसमें लॉग इन किया वो आप देख सकते हैं, 1234512345 ऐसा नंबर भी लॉग इन हो चुका है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कोई भी नंबर लॉग इन हो जा रहा है इस वेबसाइट में और उसके बाद भी 80 रुपये मिल जा रहे हैं, किस तरीके की ये वेबसाइट है आप खुद ही सोच लीजिए। मैं आपको सिंपली बताऊं भाई तो ये वेबसाइटें किसी से भी लिंक्ड नहीं होती हैं, बस नाम के लिए बोला जाता है कि ये अमेजोन से लिंक्ड हैं, तो इससे लिंक्ड हैं, उससे लिंक्ड हैं, बट हकीकत में किसी से भी लिंक्ड नहीं होती है। अगर ये लोग अमेजोन का नाम ले रहे हैं तो आप अमेजोन के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी पूछ सकते हो इस वेबसाइट के बारे में, वो लोग क्लियरली आपको मना कर देंगे। और हाँ, इन लोगों को कोई भी टैक्स मत पे करना, ये हो सकता है कि ये लोग आपसे टैक्स पे करने की बात करें कि भाई टैक्स पे कर दो आपको इंस्टेंटली विड्रॉल मिल जाएगा, 18% टैक्स
लग रहा है 5% हम लोग भर देंगे, 13% आप भर दो और टैक्स पे करते ही आपको विड्रॉल मिलेगा, इस तरीके की लोग बात कर सकते हैं। आप अपने पैसे और मत लगाना और ना ही इनकी इस बात में आना कि हम आपकी हेल्प कर दे रहे हैं नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट कराने में। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इनकी वेबसाइट में सिर्फ नंबर्स को शो किया जाता है जिसको ये लोग ईजिली बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर आपके रियल के पैसे नहीं होते हैं, बल्कि आप तो हमेशा ही किसी के UPI पर, किसी के बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लेकर के उस पर रिचार्जेस किए, उस पर पैसा भेजे हो और इन लोगों को बस स्क्रीनशॉट शेयर किए। और ये लोग क्या किया है, जैसे इनको कंफर्म हो गया कि हाँ पैसे मिल गए हैं तो बस उस वेबसाइट में उन नंबर्स को अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर होता ये है दोस्तों कि जो आपका अकाउंट बैलेंस होता रहता है इस वेबसाइट में उसको ये लोग ईजिली बढ़ा देंगे और आपको लगेगा कि सामने वाले बंदे ने मेरी हेल्प किया है इस टास्क को कंप्लीट कराने के लिए, इसने मेरा पैसे से हेल्प किया है ना। और ये सोच करके आप जैसे ही अपने पैसे ओरिजिनल वाले पैसे जो है डाल देते हो तो बस आपके साथ स्कैम हो जाता है, क्योंकि भाई ये स्कैमर्स हैं, ये इस वेबसाइट में जितना चाहे उतना अमाउंट आपका शो करके दिखा सकते हैं, आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके साथ स्कैम हो गया है तो आपको साइबर कंप्लेन करना चाहिए, बिना किसी देरी के आप साइबर कंप्लेन जरूर करना। साइबर कंप्लेन करने के लिए cybercrime.gov.in पर जाना है आपको, ऑनलाइन एक साइबर कंप्लेन कर देना है या फिर आप 1930 नंबर को भी डायल कर सकते हो। ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करने के लिए आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल क्रोम खोलिए और वहाँ पर टाइप कीजिए cybercrime.gov.in और इसको जो है डेस्कटॉप साइट में ज़रूर इनेबल कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही डेस्कटॉप साइट में इनेबल करेंगे आप, आपको क्लिक करना होगा रिपोर्ट साइबर क्राइम पर और फाइनेंशियल फ्रॉड पर। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके फाइल ए कंप्लेन और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना होगा न्यू यूज़र में, और इसके बाद आप एग्जिस्टिंग यूज़र में आप लॉगिन हो जाना। और जैसे ही आप लॉगिन होगे उसके बाद वापस से आप जो है रिपोर्ट साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड वाले सेक्शन में जा करके आप ईजिली जो है कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर वो वेब पेज अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन जब आप लॉगिन हो जाओगे तब एक नया वेब पेज खुलेगा जिसमें कि आपसे डिटेल मांगी जाएगी कि क्या स्कैम हुआ है, किस तरीके से हुआ है, सभी बातें आपको बतानी होंगी। और उसके बाद वहाँ से आपको जो है कंप्लेन होते ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जिसको आप ट्रैक योर कंप्लेन में एक्नॉलेजमेंट नंबर में डाल करके आप अपने कंप्लेन के स्टेटस को ट्रैक कर पाओगे। इसके अलावा जो है आपको अपने पेमेंट ऐप या अपने बैंक से बात करनी है और उनसे भी रिक्वेस्ट करना है कि सर ये जो ट्रांजैक्शन मैंने किया था इसमें मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है, इस ट्रांजैक्शन अमाउंट को सर रिवर्स करवा दीजिए। बस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि गलती आपकी थी, आपने पैसे भेजे हैं, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। मे बी उस स्कैमर का अकाउंट एक्टिव हो, उसमें अगर पैसे हुए तो शायद आपको आपके पैसे वापस मिल जाए। और इसके अलावा जो है आपको इन लोगों से बातें नहीं करनी है, ये खुद स्कैमर्स होते हैं, ये भी आपसे चार्जेस ले लेते हैं और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते हैं। सो बिल्कुल इन लोगों से बात आपको नहीं करनी है। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारियों को तो आप शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा ईमेल आईडी आपको मिलेगा मेरे हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पर इसी तरीके की अवेयरनेस की जानकारियां वीडियोस के माध्यम से आपके पास पहुंचा करेगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।